हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यदि आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूट्यूब 3 नए अपडेट लेकर के आ चुका है। देखिए, यदि आपका चैनल ऐसा है कि आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स, यदि आपका चैनल ऐसा है कि आप उसमें मिक्स कंटेंट बना रहे हैं, मिक्स यानी कि शॉर्ट भी आप उसी पर बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोज भी आप उसी पर बनाते हैं, तब भी फ्रेंड्स इस अपडेट से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड, बहुत ही कमाल के अपडेट है। वीडियो को बिना स्किप तक देखते रहना जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, तीनों ही अपडेट क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी क्षमा चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो अपडेट है लगभग 3-4 दिन पहले आ चुके थे और मैं इन पर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा ये फर्ज है, मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मैं आपको सभी अपडेट की जानकारी देता हूं तो मुझे इन अपडेट की जानकारी भी आपको देनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मुझे ये लगा कि हो सकता है कि मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मतलब उनको ये अपडेट अभी ना मिले हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा रीजन इस वीडियो को बनाने का एक ये भी है। तो फ्रेंड्स, तीनों ही अपडेट की जानकारी वीडियो में दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आखिर तीनों ही अपडेट क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और साथ साथ दोस्तों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ साथ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा देना जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीनों ही अपडेट की तरफ, आखिर तीनों ही अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव राणा और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल GR पे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 अपडेट, देखिए पहला अपडेट मैं यहां पर आपको समझा दूं। फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या था, जब आपके 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते थे तब आपको लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिलता था, यानी कि आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीम इनेबल हो जाया करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर यूट्यूब ने एक्सपेरिमेंट किया है और यहां पर यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर भी रहा है। यूट्यूब ने क्या है, यूट्यूब बोलता है फ्रेंड्स कि वो अब 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप सभी को लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाए। फ्रेंड्स यहां पर देख, कुछ चैनल को यूट्यूब ने 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ही लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन इनेबल कर दिया, हालांकि सभी का अभी शायद नहीं हुआ है यहां पर जो उन्होंने बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये एक्सपेरिमेंट का सफल रहा तो हो सकता है 50 सब्सक्राइबर वाले चैनल को भी लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिल जाए, फिर उसको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होगी लाइव स्ट्रीम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा अपडेट ये था। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट और है यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नंबर 2 अपडेट है वो आपके यूट्यूब स्टूडियो के डैशबोर्ड में है। जैसे ही आप, यदि आप मोबाइल से अपना चैनल लॉगिन करते हैं तो आप क्रोम ब्राउजर में जाकर के डेस्कटॉप साइड मोड को इनेबल करके और चैनल लॉगिन करेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर आपको आपके चैनल के डैशबोर्ड में एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप मोस्ट पॉपुलर न्यूएस्ट वीडियोज वगैरह देख सकते हैं, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए यहाँ पर नंबर 3 अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 जो अपडेट है, मैं आपको मोबाइल के होम स्क्रीन में लेके चलता हूँ और वहीं से आपको दिखाता हूँ आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या था, यदि आप एक ही चैनल पर दोनों मिक्स कंटेंट बना रहे हैं, यानी कि आप शॉर्ट वीडियोज उसी चैनल पर अपलोड करते हैं और लॉन्ग वीडियोज भी उसी पर अपलोड करते हैं, तो फ्रेंड्स पहले क्या था कि आपकी जो शॉर्ट वीडियोज थी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती थी, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शॉर्ट वीडियोज का आपका एक अलग सेक्शन आ चुका है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको वीडियोज का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर आपको देखिए शॉर्ट्स का, लॉन्ग वीडियोज का और लाइव का तीनों ही ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे। अब आप इन पर जैसे क्लिक करेंगे, आप वीडियोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लॉन्ग वीडियोज आ जाएंगी, लाइव पर आप क्लिक करेंगे तो आप जितनी बार लाइव आए होंगे यहाँ पर आपके सभी लाइव देखने के लिए मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पर शॉर्ट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जो भी शॉर्ट्स वीडियोस उस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं सभी शॉर्ट वीडियोस अलग शो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपके 3 सेक्शन नए बना दिए गए हैं, वीडियोज भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगी। और साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं मैं, यदि कोई व्यूअर यूट्यूब पर जाता है और वो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसने कोई वीडियो सर्च किया, मान लीजिए कोई सॉन्ग ही सर्च किया, जैसे वो सर्च करेगा तो वहां पर भी एक शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वो जैसे उस शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा ना, तो फ्रेंड्स जो उसने वीडियो या फिर सॉन्ग सर्च किया है उस सॉन्ग पर जितने भी शॉर्ट वीडियोज बने हुए होंगे तो फ्रेंड्स उस लिस्ट में सभी वो शॉर्ट वीडियोज आ जाएंगे जो उसने सॉन्ग सर्च किया है। उस सॉन्ग को लेकर जो भी शॉर्ट वीडियो बने हैं वो सभी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स साथ साथ मान लीजिएगा, अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल GR और कोई भी व्यूअर मेरे चैनल को सर्च करता है टेक्निकल GR शॉर्ट्स, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर वो शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्निकल GR शॉर्ट्स लिखेगा ना, तो यहाँ पर टेक्निकल GR शॉर्ट्स के नाम से जिस किसी भी यूट्यूब क्रिएटर ने वीडियोज बना रखी होंगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी उन क्रिएटर्स की वीडियोज आ जाएंगी जो भी टेक्निकल GR शॉर्ट्स के नाम से शॉर्ट बने हुए हैं, वो सभी आपको इस लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बढ़िया अपडेट है कि फ्रेंड्स अब आपके शॉर्ट वीडियोज है वो एक दूसरे के सजेशन में आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स यही था तीसरा अपडेट और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।